नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने की जबरदस्त तैयारियां चल रही है। क्या है इसमें खास, आइए जानते हैं। फिल्म निर्माता कंपनी यशराज फिल्म्स इंडस्ट्री में काम करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के उपलक्ष्य में एक जश्न मनाने की तैयारी में है। अब तक सिर्फ यही जानकारी थी कि इस मौके पर यशराज फिल्म्स के बैनर तले कुछ बड़ी फिल्मों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इस शुभ अवसर पर कंपनी अपनी उपस्थिति देश की दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध कराना चाहती है। इसलिए वह अपने लोगों का डिजाइन भी देश की लगभग 22 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी में है। यशराज फिल्म्स ने इस साल सफलतापूर्वक अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस साल को शानदार तरीके से एक त्योहार की तरह मनाने की तैयारी इस कंपनी के कर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा ने की थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फैली अव्यवस्था के कारण सारी योजना पर पानी फिर गया। अब इस जश्न को इस कंपनी के संस्थापक और निर्माता निर्देशक दिवंगत यश चोपड़ा की जयंती के मौके पर यानी 27 सितंबर को आयोजित करने की तैयारी है। इस दिन कुछ बड़े कलाकारों के साथ बड़ी फिल्मों की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है और इसी दिन कंपनी देश की अलग अलग भाषाओं में अपना लोगो भी रिलीज करेगी। दरअसल यशराज फिल्म्स के बैनर तले इन 50 सालों में 85 फिल्में रिलीज हो चुकी है। रिलीज हुई इन फिल्मों में हिंदी के अलावा देश की दूसरी भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। भाषा की बंदिशों को तोड़ते हुए अब तक अपने काम में सफल रही कंपनी का मानना है कि जब काम सभी भाषाओं में हो रहा है तो क्यों ना कंपनी का लोगो भी अलग अलग भाषाओं में बने, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों का कंपनी को बराबर प्यार मिल सके। कंपनी के पास इस साल रिलीज करने के लिए 5 फिल्में हैं, जिसमें बंटी और बबली 2, शमशेरा, जैश भाई जोरदार, संदीप और पिंकी फरार और पृथ्वीराज शामिल हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से घबराए कैलेंडर के चलते इन फिल्मों में से कितनी फिल्में इस साल रिलीज होंगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, प्रभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।